जीरोधा में ब्रोकरेज कितना लगता है? आज इस वीडियो में हम ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आंसर करेंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सारे ब्रोकरेज चार्जेस, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी मिलेगी कि जीरोधा में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो कितना पैसा कब लगता है, ये पूरा मैं डिटेल दूंगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है जीरोधा में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ मैं शेयर मार्केट की बात करूंगा, जिसे हम इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी में जो है चार तरह की आपको ट्रेडिंग जो है वो दिखाई देती है। एक जिसे बोलते हैं इक्विटी में डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है कि आप शेयर आज खरीद के आज के बाद उसे बेच रहे हैं, चाहे आप कल बेचें, चाहे परसों बेचें, चाहे एक साल बाद बेचें, चाहे आप 10 साल बेचें, वो होता है इक्विटी डिलीवरी। दूसरा होता है इक्विटी इंट्राडे, यानी आप आज ही बाय कर रहे हैं शेयर और आज ही आप उसे सेल कर दे रहे हैं। इसमें आपको उल्टा ऑप्शन भी मिलता है कि आप पहले सेल करके और फिर बाद में उसे बाय कर दें, तो ये ऑप्शन भी आपको इंट्राडे मिलता है, ये इक्विटी डिलीवरी वाले में नहीं मिलता है। तो इसमें जो है ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, और ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एडवांस थोड़े होते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम ब्रोकरेज की बात करें, तो ब्रोकरेज देखिए कोई भी डिलीवरी वाला जो आप ट्रेड करते हैं, यानी आज खरीदा और आज नहीं बेचा, कल बेचा, परसों बेचा, 10 दिन बाद बेचा, एक साल बाद देखा, तो उसमें आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है, जीरो ब्रोकरेज, उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगता। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका कोई पैसा नहीं लगता? नहीं, बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं जो आगे मैं बताऊंगा, जो इसमें भी लगते हैं, काफ़ी सारे, कम से कम 7-8 एक्सपेंसेस हैं जो इसमें लगते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ब्रोकरेज इसमें नहीं लगता, ब्रोकरेज इसे हम बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आपको 20 रुपए जो है वो मैक्सिमम ब्रोकरेज लगता है बाइंग पे, 20 रुपए मैक्सिमम ब्रोकरेज, फिर दोबारा लगता है सेलिंग पे, तो 20 रुपए बाइंग पे, 20 रुपए सेलिंग पे, ये मैक्सिमम लगता है। लेकिन अगर आपका ट्रेड बहुत छोटा है तो आपको 0.03% ब्रोकरेज आप मान सकते हैं कि लगता है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो ये बात हो गई ब्रोकरेज की, यही ब्रोकरेज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं है, इंट्राडे में 0.03% है जो कि मैक्सिमम 20 रुपए हो सकता है, एफएनओ में भी 0.03% है और मैक्सिमम 20 रुपए हो सकता है, ऑप्शन में भी आपको 20 रुपए जो है वो हर ऑर्डर पे, बाइंग पे 20 रुपए, सेलिंग पे 20 रुपए लगता है। अब ये तो हो गया ब्रोकरेज, लेकिन इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ये एसटीटी चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट हम पर एक टैक्स लगाती है, जो जो डिलीवरी वाले में 0.1% और इंट्राडे में आपके सामने है। इसके बाद दूसरा चार्जेस जो है वो है ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि एनएससी और बीएससी हम पे लगाते हैं, और ये आपके सामने जो है ये डिलीवरी वाले हैं, और ये आपके सामने जो है ये इंट्राडे के इसके चार्जेस हैं। तीसरा जो चार्ज है वो है जीएसटी चार्जेस, वो आपको पता ही होगा कि वो गवर्नमेंट जो है वो हम पे लगाती है, और वो किन किन चीज़ों पे लगता है, तो हमारा जो ब्रोकरेज हम देते हैं, सेबी का जो चार्जेस देते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस देते हैं, उन सब पे 18% एडिशनल जीएसटी जो है लगता है, इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, वो भी गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा जो सेबी हमारा जो रेगुलेटर है, जो एनएससी बीएससी और सारे ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है, उसका भी एक चार्ज होता है जो आपके सामने है, और आखिर का एक स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाते हैं, तो वो भी आपके सामने। तो ये सारे जो चार्ज हैं, ये सारे चार्जेस ये आपके सामने जो चार्जेस हैं, ये ब्रोकरेज के अलावा एक्स्ट्रा हैं, और सारे परसेंटेज बेसिस में लगते हैं, और ये हर ट्रेड में लगते हैं, चाहे आपका ब्रोकरेज जीरो होगा तब भी आपको ये सारे चार्जेस लगते हैं। एक और जो चार्ज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो जो ये इक्विटी डिलीवरी में लगता है, वो है, मैं आपको यहाँ नीचे में लेके जाऊँगा और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, डीपी चार्जेस। ये बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, उनको लगता है कि फ्री में बाइंग फ्री में सेलिंग है, लेकिन नहीं, जब आप शेयर को बेचने जाते हैं तो आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी एडिशनल आपको देना पड़ता है, जबकि आपका ब्रोकरेज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बाइंग पे भी जीरो है, सेलिंग पे भी आपका ब्रोकरेज जो है वो जीरो है, लेकिन यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली जो है वो डीपी चार्जेस में आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको वो देना पड़ता है। तो ये तो हो गए जो आपको रेगुलर चार्जेस ट्रेड पे करते हैं, लेकिन एक और चार्जेस है जो आप ट्रेड करें या ना करें आपको हमेशा देना ही है हर साल, वो देख लीजिए, वो होता है एएमसी या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये एक साल में आपको 300 रुपये चार्ज आपको देना है प्लस जीएसटी, और ये आपको चार हिस्सों में बांट के 90 डेज में
हर 90 दिन में आपको एक चौथाई इसका, मतलब 300 का एक चौथाई हिस्सा हर 90 दिन में आपको देना है। तो ये आप ट्रेड करें ना करें, ये आपको रेगुलरली देना ही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कितना है और बाकी एक्सपेंसेस कितने हैं। थैंक यू।